नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। रुक करेंगे फटाफट खबरों का। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एमएलए शिवपाल सिंह यादव बाराबंकी पहुंचे। शिवपाल सिंह यादव शाहबू टोल प्लाजा के निकट नवनिर्मित कासिफ पब्लिक स्कूल का उद्घाटन बाराबंकी करने पहुंचे थे। पूर्व राज्य मंत्री सैदा सादा फातिमा का स्कूल करने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और विधायक शिवपाल सिंह यादव पहुंचे। शिवपाल सिंह यादव के बाराबंकी कासिफ पब्लिक स्कूल परिसर में पहुंचने पर विद्यालय प्रबंधन और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। सितारगंज में एसएस जैन महासभा की ओर से परम पूज्य गुरुदेव श्री सुदर्शन लाल महाराज का 100वां जन्मदिवस धूमधाम से महाराजा अग्रसेन धर्मार्थ ट्रस्ट में मनाया गया। तपस्वी राज गुरुदेव नरेंद्र मुनि महाराज, सेवाभावी जयंत मुनि महाराज, साध्वी सुनिधि महाराज, साध्वी संवेग महाराज, साध्वी सजग महाराज, थाने चार के गुरुजनों ने गुरु सुदर्शन गुणगान दिवस पर भक्तों का अपार ज्ञान दिया। दिल्ली से आए कलाकारों के द्वारा सुंदर नाट्य प्रस्तुति दी गई। रुद्रपुर से आए भजन गायक अमन सांवरिया ने गुरुदेव के सम्मान में भजन गाकर समा बांधा। देहरादून हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग पर लाठीवाला से टोल प्लाजा में टोल फ्री की मांग को लेकर स्थानीय सैकड़ों ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने हंगामा काटा। रविवार को रानी पोखरा क्षेत्र के लोगों और जनप्रतिनिधियों ने फ्री टोल पास की मांग को लेकर लाठीवाला से टोल प्लाजा पर नारेबाजी करते हुए सांकेतिक जाम लगाकर जमकर हंगामा किया। बता दें कि प्रदेश की राजधानी देहरादून से सटे डोईवाला विधानसभा का रानी पोखरी क्षेत्र वाला बड़ी आबादी वाला इलाका है, जहां से नौकरी पेशा, रोजगार और आवश्यक कार्यों से स्थानीय लोगों को रोजाना सैकड़ों निजी तथा व्यवसायिक वाहनों से देहरादून आना जाना होता है। टोल में नई कंपनी ने अपना काम संभालते रानी पोखरा के लोगों का फ्री पास रद्द कर दिया, जिसमें लोगों में रोष है। सपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे और वर्तमान में संभल विधानसभा सीट से सपा विधायक इकबाल महमूद ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुगलों का भारत में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने भारत को ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार जैसी शाही इमारतें दी हैं और ऐसे में पाठ्य पुस्तकों से मुगलों का इतिहास मिटाना दुखद है। सपा विधायक ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि सरकार नौजवानों के दिमाग में जहर भरने के अलावा और कुछ नहीं कर रही। सहकारी संघ ब्लॉक के चुनाव आरक्षण और अवधारणा में भारी अनियमितता पर बीजेपी नेता प्रदीप पांडे ने सवाल उठाए हैं। कहा गया आरक्षण को दरकिनार कर चुनाव कराया गया है, जिसकी शिकायत जिला सहायक निर्वाचन अधिकारी एआर कोऑपरेटिव से की गई, बावजूद उसके बिना जांच पड़ताल के चुनाव कराया गया। आरोप लगाते हुए बीजेपी नेता की शिकायत को दरकिनार कर अधिकारियों ने चुनाव करा दिया। सचिव बाबू पर भाजपा नेता ने गंभीर आरोप लगाए हैं। कासगंज में संदिग्ध परिस्थितियों में रेलवे ट्रैक पर युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद परिजनों ने हत्या कर शव को ट्रैक पर डालने की आशंका जताई है। बता दें कि युवक बीते दिन अपने घर से रिजौर बाजार जाने के लिए निकला था और एक दिन बाद रेलवे ट्रैक पर युवक रवि का शव मिला। पुलिस ने मृतक युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अमेठी में प्रसिद्ध धाम साहब सिद्धादास पदयात्रा हर गाँव से गाजे बाजे के साथ बाराबंकी के लिए रवाना हुई। पौराणिक मंदिर सिद्धदास धाम की महंत रेखा दास के नेतृत्व में 5 दिवसीय पदयात्रा में सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। बता दें कि 5 दिनों के लिए निकाली गई यात्रा में व्यापक प्रबंध किए गए। अमेठी के जामो ब्लॉक हरगांव धाम से निकलकर जनपद बाराबंकी के कोटवा धाम पहुंचेगी पदयात्रा। इस यात्रा में हजारों की संख्या में भक्तगण हिस्सा लेकर यात्रा में शामिल हुए। झांसी की टोड़ी फतेहपुर थाना क्षेत्र में एक घर में चोरी करने वाले बदमाश को घर के मालिक ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। आरोप लगाया कि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, उल्टे बदमाश को छोड़ दिया। पीड़ित ने मामले में कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित का कहना है कि उसके यहाँ रात को घर में चोरी हुई थी। बदमाश 40 किलो मसूर, 20 किलो चना और इस सोने चांदी के जेवर लेकर भाग गए थे। जानकारी करने पर उसे पता चला कि गाँव के 4 लोगों ने मिलकर चोरी की थी। चोरी का माल गाँव के ही 2 लोगों के यहाँ बेचा गया। वही एक शख्स ने उसके घर हुई चोरी को करना भी स्वीकार किया था, लेकिन पुलिस ने उसे छोड़ दिया। पीलीभीत में तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद दोनों को प्राथमिक इलाज के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया। ये पूरा मामला न्यूरिया थाना क्षेत्र के टांडा विरसी का बताया जा रहा है। मऊरानीपुर के मोहल्ला लालगंज नई बस्ती निवासी नाथुराम खेत में बोई हुई अरबी की फसल की सिंचाई करते समय बिजली का करंट लगने से उनकी मौत हो गई। बता दें कि किसान नाथुराम लगभग 3 बीघा का काश्तकार था। 10 बीघा खेत बटाई पर लेकर खेती करके अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करता था। वही खेत पर सब्जी की फसल की सिंचाई करते समय बिजली का करंट लगने से अचेत अवस्था में खेत पर ही गिर पड़ा। परिजन आनंद फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मऊरानीपुर लाए, जहाँ पर डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। परिवार का कहना है कि उस पर लगभग 2.5 लाख रुपए का कर्ज भी हो गया था। बिजनौर के हलदौर में एक युवक पर प्रेम विवाह करने की रंजिश के चलते फायर छोड़ दिया गया।
गोली लगने से युवा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको स्थानीय पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। पिछले 3 साल पहले दूसरे समुदाय की लड़की से युवक ने प्रेम विवाह किया था। गोली चलाने वाला लड़की का भाई मौके से फरार हो गया। आपको बता दें कि बिजनौर के थाना हलदौर के गाँव खेरावाला निवासी शीतल कुमार पुत्र अशोक कुमार ने दूसरे समुदाय की लड़की हलदौर के लक्कर चौराहे की रहने वाली नरगिस उर्फ नेहा से प्रेम विवाह किया था। इस प्रेम विवाह से लड़की के परिवार वाले नाराज थे। इसी रंजिश के चलते लड़की के भाई ने शीतल कुमार को गोली मार कर दी और मौके से फरार हो गया। सहारनपुर में बिजली विभाग की लापरवाही के चलते गांव चंदपुर में बिजली लाइन ठीक करते वक्त करंट लगने से संवेदा कर्मी की मौके पर ही मौत हो गई। गुस्साए ग्रामीणों ने बड़गांव में महाराणा प्रताप चौक पर जाम लगाकर ननौता देवबंद मार्ग अवरुद्ध कर बिजली विभाग के अधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग करने लगे। सूचना पर पहुंचे पूर्व सांसद लखन पाल शर्मा ने लोगों को शांत कराया। बाद में एसडीएम रामपुर ने 5 लाख रुपए का मुआवजा, एक परिजन को नौकरी और आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आश्वासन दिया। बदायूं में क्षत्रिय समाज की बैठक में 2 नाबालिग लड़कियों को मुस्लिम समुदाय का एक युवक बहला फुसलाकर भगा ले जाने और पुलिस द्वारा कार्रवाई न करने पर रोष व्यक्त किया गया। इस संबंध में रोडवेज बस स्टैंड बिसौली गेस्ट हाउस में सैकड़ों क्षत्रिय समाज के लोगों ने बैठक की। बता दें कि बदायूं जिले के थाना फैजगंज बेहटा क्षेत्र में 2 नाबालिग लड़कियों के अपहरण और गांव में ही आरोपियों के परिवार ने पीड़ित परिवार से मारपीट और धमकाया गया था, इस तरह के आरोप लगाए। लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर सड़क हादसा हो गया, जहां तेज रफ्तार टेम्पो अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। टेम्पो पलटने से सवारियों में चीख पुकार मच गई। मामला हरचंदपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत कृषि फार्म के पास का है। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को एम्बुलेंस में भेजकर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां कुछ घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें हार्ट सेंटर रेफर किया गया है। वैसे तो इंसान हो या जानवर, हर किसी को अपने बच्चों से प्रेम होता है और हर कोई बच्चों को लाड़ प्यार से पालता है, लेकिन हरदोई में एक बंदर और कुत्ते के बच्चे के बीच स्नेह लोगों के बीच कुतूहल का बना हुआ है। दरअसल एक बंदर कुत्ते के बच्चे को अपने बच्चे की तरह पाल रहा है। बंदर कुत्ते के बच्चे को हर समय अपने साथ रखता है, उसे खिलाता है, पिलाता है, उसका ख्याल रखता है। आमतौर पर बंदर और कुत्ते की दुश्मनी के इतर कुत्ते के बच्चे के पालनहार बने बंदर की तस्वीरें लोगों में चर्चा का विषय बनी हुई है। लोग उसके साथ सेल्फियां ले रहे हैं। फिरोजाबाद में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। कार्यक्रम के बाद अखिलेश यादव ने मीडिया से रूबरू होते हुए भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे, जहां सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा की सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ा है। लोगों की आय दोगुनी नहीं हुई है, बल्कि उनके कर्मचारी और पुलिस की आय दोगुनी हुई है। इस सरकार में किसानों को कोई लाभ नहीं पहुंचा है। एटम एक युवती का गैंग रेप के बाद अश्लील वीडियो बनाने का वीडियो वायरल हो रहा है। आरोपी लगातार पीड़िता को वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहे हैं। आरोप है कि तीनों आरोपियों ने तमंची की नोक पर दुष्कर्म का आरोप उन पर लगा। पीड़िता ने अपने पिता के साथ एटा के एसएसपी को पूरी घटना की जानकारी दी। मामले में 3 आरोपियों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस आरोपियों की धरपकड़ में जुटी हुई है। बहराइच में जोनस इनिशिएटिव एंड सांस्कृतिक प्रकोष्ठ द्वारा नगरौर स्थित वृद्धाश्रम में एक वृद्ध निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। डिवाइन हार्ट मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल के डायरेक्टर और वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पंकज कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में यह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सदर विधायिका अनुपमा जायसवाल और जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र रहे। वह विशेष अतिथि मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सतीश कुमार सिंह, समाज कल्याण अधिकारी रमाशंकर गुप्ता रहे। आगरा में भाजपा संगठन में प्रदेश के महामंत्री बनने के बाद पहली बार आगरा पहुंचे रामप्रताप चौहान का कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। रामप्रताप चौहान ने कहा कि उनके नेतृत्व में काम कार्यकर्ता को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, तो उनके लिए जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। चाहे निकाय चुनाव हो या फिर लोकसभा, दोनों में ही कमल लहराता हुआ नजर आएगा। फरुखाबाद में सिलेंडर फटने से बड़ा हादसा हो गया, जहां दादी और नाती की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई, साथ ही एक दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सिलेंडर में आग खाना बनाते समय लगी। सभी घायलों को जीएचसी कायमगंज लाया गया। हालत गंभीर होने पर डॉक्टर्स ने 4 लोगों को जिला अस्पताल लोहिया रेफर किया। अखिलेश यादव का एक दिवसीय दौरा रायबरेली का। अखिलेश यादव सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य, ऊंचाहार विधायक मनोज पांडे एक दूसरे से अलग दिखाई दिए। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य के बैनर से ऊंचाहार विधायक गायब दिखे। अखिलेश यादव आज ऊंचाहार विधानसभा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आए। नगर पालिका चुनाव से पहले दलित वोट साधने के लिए जनसभा की गई।
बाराबंकी में सपा महासचिव शिवपाल यादव ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि सबसे ज्यादा गुंडे और अपराधी इस समय भारतीय जनता पार्टी में हैं। शिवपाल यादव के बाराबंकी कासिम पब्लिक स्कूल परिसर में पहुंचने पर विद्यालय प्रबंधन और कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। महोबा में मानसिक विक्षिप्त 75 वर्षीय वृद्ध महिला ने अपने मकान में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी, तो वहीं पत्नी वियोग में 35 वर्षीय युवक ने फांसी के फंदे से झूलकर खुदकुशी कर ली। मृतकों के परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के गांव जुजार का बताया जा रहा है। बांदा में संदिग्ध प्रसूति में महिला आग में जल गई, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। महिला का आरोप है कि आग उसके ससुर ने लगाई है। महिला के पति ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं महिला के बयान से पति का बयान बिल्कुल उलट है। पति ने कहा कि महिला ने खुद आग लगाई थी। 2 साल पहले महिला की शादी हुई थी। पति का कहना है कि महिला और ससुर में कभी कभी विवाद होता था। डॉक्टर्स के हिसाब से 75% तक महिला जल चुकी है। घटना तिंदवाड़ी थाना क्षेत्र के जौहरपुर गाँव की बताई जा रही है। आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। वहीं मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगी है। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बदमाश चोरी लूट सहित अन्य मुकदमों में फरार चल रहे थे। मुठभेड़ थाना जैतपुर क्षेत्र के कंपरी रोड पर हुई। गोरखपुर में विगत 29 मार्च को गोरखपुर के रामगढ़ ताल थाना क्षेत्र के भगत चौराहे पर पूर्व धान को बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोली मारकर घायल कर दिया था। कोई घटना में शामिल एक अभियुक्त पुलिस ने देर रात मुठभेड़ में गिरफ्तार करने में सफलता पाई। बता दें कि भगत चौराहे के पास पूर्व प्रधान और हिस्ट्री टीचर शशि मौली शुक्ला को गोली मारने में शामिल एक बदमाश शनिवार की देर रात पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ। हरदोई के अतरौली में एक स्कूल के प्रबंधक और शिक्षिका के अवैध संबंधों का ऑडियो वीडियो वायरल होने और करने की धमकी देकर छात्र द्वारा 8 लाख रुपए वसूल लेने का मामला सामने आया। छात्रा के द्वारा और रुपए मांगने के बाद प्रबंधक द्वारा छात्रा पर FIR दर्ज कराई गई है। पुलिस FIR दर्ज कर कार्रवाई में लग गई है। विद्यालय के प्रबंधक को ब्लैकमेल कर धमकाने का ये पूरा मामला अतरौली थाना इलाके का है। राजपुर थाना क्षेत्र के मक्कावाला में बीती रात एक व्यक्ति की शव मिलने से हड़कंप मच गया, जिसे पुलिस ने हत्या की आशंका जाहिर की थी। 7 घंटों के अंदर ही हत्या का खुलासा हो गया। SSP दिलीप सिंह कुंवर ने बताया कि महिला ने अपने प्रेमी लखबीर के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की। पहले महिला ने अपने पति को शराब पिलाई, उसके बाद चुन्नी से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी, शव को नदी में फेंक दिया। मृतक की पत्नी की निशानदेही पर दुपट्टा भी बरामद कर लिया गया है। राजधानी देहरादून के एक निजी होटल में सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी, जो कि कर्नल के पद पर उधम सिंह नगर स्थित पेट्रोलियल आर्मी में तैनात है, उक्त कर्नल आज गैर स्त्री के संग अयाशी करते हुए निजी होटल में मिला। पीड़ित पत्नी के द्वारा नेहरू कॉलोनी थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद पुलिस के साथ पीड़ित पत्नी ने होटल में छापेमारी की और पत्नी संग कर्नल को राजधानी देहरादून के एक निजी होटल से पकड़वाया गया, जिसपे मौके पर ही हड़कंप मच गया। देहरादून हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग पर लच्छीवाला स्थित टोल प्लाजा में टोल फ्री की मांग को लेकर स्थानीय सैकड़ों ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने हंगामा काटा। रानी पोखरी क्षेत्र के लोगों और जनप्रतिनिधियों ने फ्री टोल पास की मांग को लेकर लच्छीवाला स्थित टोल प्लाजा पर नारेबाजी करते हुए सांकेतिक जाम लगाकर हंगामा किया। पौड़ी में एक लेपर्ड कैट के मृत अवस्था में पाए जाने का मामला सामने आया है। जानकारी लेते हुए रेंज अधिकारी पौड़ी नागदेव रेंज ललित मोहन नेगी ने बताया कि वन विभाग को पौड़ी श्रीनगर रोड पर गंगा दर्शन मोड़ के समीप कुलदार के शावक का मृत अवस्था में शव मिला। बताया गया कि वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। वहीं वन विभाग की टीम द्वारा मृतक लेपर्ड कैट के शव को कब्जे में ले लिया गया। बताया जा रहा है कि लेपर्ड कैट का पोस्टमार्टम करवाकर अग्रिम की कार्रवाई की जा रही है। वन मुख्यालय देहरादून में उत्तराखंड वन क्षेत्राधिकारी संघ की प्रांतीय अर्धवार्षिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में वन क्षेत्राधिकारी को उम्र का हवाला देकर रेंज का प्रभार न देने पर संघ ने रोष व्यक्त किया और उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। वन भवन देहरादून में आयोजित उत्तराखंड वन क्षेत्राधिकारी संघ की बैठक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर विनोद चौहान की अध्यक्षता और महामंत्री नवीन सिंह पवार के संचालन में चली। बांदा में सदर विधायक प्रकाश त्रिवेदी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर गिरवा क्षेत्र के पहाड़ों में हो रहे अवैध खनन और अवैध क्रशर संचालन पर रोक लगाए जाने की मांग की है। बता दें कि 5 गांवों के ग्रामीण लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हो पाई है। हरदोई के सुरसा थाना क्षेत्र के रहने वाले दिव्यांग जॉनी वॉकर अपनी विलक्षण प्रतिभा के कारण सेलिब्रिटी बन चुके हैं। दरअसल वो 10 पशु पक्षियों की आवाज हूबहू निकालते हैं। उनको देखकर लोग अनायास उन्हें अपने पास रोक लेते हैं और फिर उनसे आवाज सुनकर ही उन्हें जान लेते हैं। सुरसा के रामपुर के रहने वाले जॉनी वॉकर पैरों से दिव्यांग हैं, लेकिन वो आजकल सोशल मीडिया पर पॉपुलर हो गए हैं। दरअसल जॉनी वॉकर हूबहू अलग अलग पशुओं और पक्षियों की आवाज निकाल रहे हैं। इटावा में हरियाणा से बिहार तस्कर के लिए ले जाई जा रही 70 लाख की अवैध अंग्रेजी शराब सहित पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। शराब से
खरीदे ट्रक को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर पकड़ा। ट्रक से 600 पेटी से अधिक अंग्रेजी शराब बरामद हुई। बरामद शराब की कीमत 70 लाख रुपए से ज्यादा है। पुलिस को गुमराह करने के लिए शराब की पेटियों को लहसुन से ढककर तस्कर ले जा रहे थे। मौके से एक तस्कर गिरफ्तार हुआ है, वहीं दो तस्कर अभी फरार बताए जा रहे हैं। वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन पर यार्ड में खड़ी ट्रेन में दो महिलाओं के साथ दुष्कर्म की खबर से हड़कंप मच गया है। महिलाओं ने फौजियों पर रेप का आरोप लगाया है। महिलाओं ने डायल 112 पर सूचना देकर पुलिस की मदद मांगी। मामला उलझता देख डायल 112 टीम ने जीआरपी थाने को सूचना दी तो जीआरपी फोर्स मौके पर पहुंच गई और घटना की जांच शुरू कर दी। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए सेना को सूचना दी गई तो सेना के अधिकारी भी पहुंच गए और पूछताछ शुरू कर दी है। अमेठी में संदिग्ध परिस्थितियों में थाने से 200 मीटर की दूरी पर एक बगीचे में पेड़ से अज्ञात युवती का शव लटका मिला। शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई में जुट गई है। युवती की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। मामला संग्रामपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक प्रयागराज पहुंचे, जहां उन्होंने टीबी चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। डिप्टी सीएम के औचक निरीक्षण से हड़कंप मच गया। निरीक्षण के दौरान गंदगी मिलने से डिप्टी सीएम ने नाराजगी जताई है। डिप्टी सीएम ने सफाई एजेंसी का एक दिन वेतन काटने का आदेश दिया, साथ ही अस्पतालों में उलझे तारों को ठीक कराने का अल्टीमेटम भी दिया है। झांसी के दतिया गेट पर दो दिन पहले एक देसी शराब की दुकान खोली गई है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। इसी को लेकर स्थानीय लोगों ने शराब की दुकान के सामने धरना देना शुरू कर दिया और दुकान को हटाने की मांग की है। धरने की सूचना पर शहर कोतवाल तुलसीराम पांडे मौके पर पहुंचे। उन्होंने लोगों को उचित आश्वासन देकर धरना समाप्त करने की हिदायत दी। रायबरेली के रेलवे स्टेशन के पास संदिग्ध परिस्थितियों में रेलवे की पटरी के पास महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। वही महिला की शिनाख्त सुमन देवी के रूप में हुई है, जो कि ठाकुरगंज की निवासी है, जिसकी सूचना वहां पर रह रहे लोगों के द्वारा महिला के मायके वालों को दी गई। मायके वालों का आरोप है कि उनकी बेटी को ससुरालजनों द्वारा प्रताड़ित किया जाता था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। सहारनपुर के एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा के द्वारा आज एसपीटी पुल पर चल रहे निर्माण कार्य के कारण हुए रूट व्यवस्था डायवर्जन होने पर नगर क्षेत्र में भ्रमण कर यातायात व्यवस्था का जायजा लिया गया। साथ ही संबंधित अधिकारियों को यातायात व्यवस्था को सही बनाने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। हरिद्वार के जिला पंचायत अध्यक्ष पर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप के बाद कमिश्नर गढ़वाल ने जांच के आदेश दे दिए हैं, जिसके बाद डीएम ने जांच के लिए कमेटी बना दी है। वहीं अब विपक्षियों को भी घेरने का मौका मिल गया है। पंचायत चुनाव के 6 महीनों के भीतर ही जिला पंचायत के अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी पर भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। आरोपों की गंभीरता को देखते हुए गढ़वाल कमिश्नर ने हरिद्वार के डीएम को जांच के आदेश दिए। कमिश्नर के आदेश के बाद डीएम विनय शंकर पांडे ने सीडीओ की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी भी बना दी है। सितारगंज में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त करने पर कड़ा विरोध जताते हुए केंद्र सरकार से उनकी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बड़ी लोकप्रियता से घबरा गई है कहते हुए नजर आए। कीचड़ रोड स्थित पुराने मेनका टॉकीज में संविधान बचाओ मेरा घर राहुल का घर के तहत हुई पत्रकार वार्ता में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने कांग्रेसी नेता राहुल गांधी के खिलाफ बदले की भावना से कार्रवाई कर उनकी लोकसभा की सदस्यता समाप्त कराई है। उन्नाव में एक डंपर आग का गोला बन गया, जिसमें जुलसे दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हाईवे पर खराब खड़े डंपर ने पीछे से दूसरे डंपर ने टक्कर मार दी। भिड़ंत के बाद टक्कर मारने वाले डंपर में आग लग गई। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। साथ ही पुलिस की टीम ने रेस्क्यू कर दो लोगों को अस्पताल भेजा है। दोनों घायल डंपर के ड्राइवर और क्लीनर बताए जा रहे हैं। घटना से हाईवे पर दोनों ओर जाम लगा रहा। भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के समर्थन में आज एनएसयूआई के साथ युवा कांग्रेस के द्वारा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रतीकात्मक पुतला दहन करने के कार्यक्रम के दौरान, जहां युवा कांग्रेस के नेताओं ने योगी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए आंदोलन किया, तो वहीं पहले से मौजूदा भारी पुलिस बल से उनका विरोध करते हुए उन्हें हिरासत में लिया, जहां युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के छात्र द्वारा जमकर झड़प हुई, जिसके बाद सड़कों पर बैठकर कांग्रेसी अपनी विरोध करते हुए नजर आए। औरैया में युवक को गोली मारे जाने की खबर से गांव में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया। घायल युवक को प्रारंभिक इलाज के लिए हालत कानपुर रेफर किया गया। युवक को गोली मारे जाने की सूचना पर पुलिस अधीक्षक औरैया चारों निगम सहित आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। वहीं परिजनों की तहरीर के आधार पर मामला भी दर्ज कर लिया गया है। बहराइच में श्री 1008 भगवान महावीर जन्म कल्याण भगवान महोत्सव महावीर प्रभु की भव्य शोभा यात्रा जैन समाज बहराइच द्वारा निकाली गई, जिसमें स्कूली बच्चों द्वारा तरह तरह की झांकियां और जीने दो की नीति के तहत झांकी निकाली गई है। वहीं काफी संख्या में जैन समाज की महिलाएं और पुरुष शोभा यात्रा में शामिल हुए। अलीगढ़ का नाम परिवर्तन करने को लेकर हिंदुओं को जागरूक करने के लिए एएमयू के पूर्व छात्र द्वारा लगाए गए कई दर्जन पोस्टरों को फाड़ने का समुदाय विशेष के लोगों पर आरोप लगा है। आरोप है कि जिले भर में 300 से ज्यादा बैनर लगाए गए थे। पोस्टर पर अलीगढ़ का नाम
हरिगढ़ लिखा हुआ था। जिला पंचायत द्वारा शासन को भेजे गए प्रस्ताव के बाद हिंदूवादी अलीगढ़ का नाम परिवर्तन करने की मांग कर रहे हैं। महाराजगंज में आज कोल्हू कस्बे में एसएसपी पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक कार से नोटों से भरा बैग बरामद किया, जिसके बाद कार में सवार युवक को हिरासत में लेकर थाने ले आई है और इनकम टैक्स विभाग के साथ साथ सुरक्षा एजेंसियों ने जब युवक से पूछताछ की और बरामद नोटों की गिनती की तो बैग में से 2,500, 200 और 100 के नोट मिले, जो लगभग 68 लाख भारतीय करेंसी बताई जा रही है। पूछताछ में पकड़े गए युवक रोहित यादव ने बताया कि वो गोरखपुर से नौतवा लेकर इन रूपों को जा रहा था और नौतवा में उसे इसकी सप्लाई करनी थी। आगरा में कोरोना संक्रमण के मरीजों में इजाफा हुआ है। कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। एक्टिव मरीजों की संख्या 10 है। सभी संक्रमित मरीजों को होम आइसोलेट कराया गया है। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। जगह जगह सैंपलिंग कराई जा रही है। आगरा के एसएन अस्पताल और जिला अस्पताल में कोरोना को लेकर व्यवस्थाएं पूरी हैं। दोनों जगह पर पर्याप्त बेड की व्यवस्था भी की गई है। गांव चौधना में किसानों की साल भर की मेहनत पर बिजली विभाग की लापरवाही के चलते बिजली पोल पर हुए शॉर्ट सर्किट से लगभग 12 बीघा फसल जलकर राख हो गई है। स्थानीय लोगों की मदद से किसी तरह आग पर काबू पाया गया, लेकिन अब तक जिले के किसी भी अधिकारी के कान पर इस घटना से जूं तक नहीं रेंगी है। किसानों का साफ तौर पर बिजली विभाग के अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने कई बार शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आग की घटना कोई पहली नहीं है। बांदा में पीएम आवास दिलाने के नाम पर अवैध पैसे की उगाही का मामला सामने आया। प्रधानमंत्री आवास की सूची में नाम होने के बावजूद भी लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं मिला है। प्रधानमंत्री आवास की सूची में नाम होने के बावजूद भी ग्राम प्रधान रुपयों की मांग कर रहे हैं, ना देने पर उन्हें अपात्र घोषित कर रहे हैं। बांदा की महिला अपने किसी निजी मामले को लेकर करतल बाजार पुरकाजी से जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची थी। आरोप है कि किसी ने महिला के बैग में पड़े मोबाइल पर हाथ साफ कर दिया। बेखौफ चोरों ने सबसे सुरक्षित जगह माने जाने वाले जिलाधिकारी कार्यालय में भी चोरी की घटना को अंजाम दे दिया। जिलाधिकारी कार्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से महिला का मोबाइल खोजने की कोशिश की जा रही है। पीलीभीत में भारतीय किसान यूनियन भानु के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, साथ ही 12 सूत्रीय मांगों को लेकर जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन गन्ना सचिव को सौंपा है। वहीं गन्ना किसानों के प्रदर्शन करने के दौरान गन्ना सोसाइटी कार्यालय में मौजूदा महिला कर्मचारी से अभद्र व्यवहार करने का गन्ना किसानों के कार्यकर्ताओं पर आरोप भी लगा। गन्ना सोसाइटी में कार्यरत महिला क्लर्क को कंप्यूटर रूम से बाहर खींचने का भी आरोप लग रहा है। बस्ती जिले की रुधौली पुलिस ने 5 अंतर्राष्ट्रीय गांजा तस्करों को अरेस्ट किया है। पकड़े गए गांजा तस्करों के पास से 65 किलो गांजा बरामद हुआ, जिसकी अनुमानित कीमत जो है वो 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने 5 गांजा तस्करों को अरेस्ट किया। पूछताछ में गांजा तस्करों ने बताया कि नेपाल से गांजा लेकर आते थे और आसपास के कई जिलों में गांजा सप्लाई की जाती थी। फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।